जी, तो एडजेक्टिव्स में, एडजेक्टिव्स का मतलब होता है नाउन एंड प्रोनाउन. सभी लिखो, एडजेक्टिव्स इज इक्वल टू नाउन प्लस प्रोनाउन. कमेंट सेक्शन में दिखना चाहिए. जो ईमानदारी से मुझे सुनेगा, फॉलो करेगा, उसी को इंग्लिश आएगी. जो मुझे बेवकूफ समझेगा या बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा, जिंदगी उसका बेवकूफ बना देगी, उसको इंग्लिश नहीं आएगी. मैं कह रही हूँ लिखो तो लिखो, मैं बोल रही हूँ रिकॉर्डिंग वीडियो सुनो तो सुनो, ईमानदारी से फॉलो करो, निश्चित तौर पर आपको अपनी इंग्लिश में परिवर्तन दिखाई देगा. तो सभी लिखेंगे फटाफट से, एडजेक्टिव्स इज इक्वल टू नाउन प्लस प्रोनाउन. Adjectives is equal to noun plus pronoun. फटाफट लिखो, adjectives is equal to noun plus pronoun. Adjective शब्द का मतलब ही होता है noun and pronoun. और add का मतलब होता है जोड़ना, plus करना. तो adjectives उन शब्दों को कहते हैं बेटा जो या तो noun में कुछ add करें या pronoun में कुछ add करें, जो या तो noun को modify करें या pronoun को modify करें, उसे English कहती है adjectives. उसे इंग्लिश कहती है एडजेक्टिव्स. उसे इंग्लिश क्या कहेगी? एडजेक्टिव्स. तो नाउन और प्रोनाउन में कुछ ऐड करने वाले शब्द ग्रामर में क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव्स कहलाते हैं. जिन्हें आप हिंदी में विशेषण पढ़ते हो, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, याद आया बचपन? तो एडजेक्टिव्स क्या हो गए? जो या तो नाउन में कुछ ऐड करें या प्रोनाउन में. अब इस अंडरस्टैंडिंग में ना मैंने एक छोटी सी गलती देखी है कुछ लोगों को करते हुए. उन्हें लगता है कि एडजेक्टिव्स का मतलब तो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें किसी के बारे में, जबकि एडजेक्टिव्स का मतलब होता है अच्छी या बुरी बातें किसी के बारे में, अच्छी भी और बुरी भी. यानी किसी को टॉल कहोगे तो भी एडजेक्टिव है, और स्मॉल कहोगे तो भी एडजेक्टिव है. किसी को फैट कहोगे तो भी एडजेक्टिव है, और स्लिम या थिन कहोगे तो भी एडजेक्टिव है. किसी को स्वीट, किसी की आवाज को स्वीट कहोगे तो भी एडजेक्टिव है, और हार्श कहोगे तो भी एडजेक्टिव है. किसी को ब्यूटीफुल कहोगे तो भी एडजेक्टिव है, और अगली कहोगे तो भी. समझ गए? तो एडजेक्टिव का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि सिर्फ अच्छी अच्छी बातें. एडजेक्टिव्स का मतलब है किसी के बारे में कुछ अलग, कुछ खास, कुछ विशेष, चाहे वो अच्छा हो और चाहे बुरा हो. जैसे हमने कहा, एक तो मैंने लिखा निशा इज अ गर्ल, और दूसरा मैंने क्या बोला, निशा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. एक तो मैंने कहा निशा इज अ गर्ल, और दूसरा मैंने क्या कहा, निशा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. तो ध्यान से देखो, निशा एक लड़की है, इसमें कोई विशेष बात नहीं बताई मैंने, पर यहां मैंने कहा निशा लड़की है पर कैसी, सुंदर, ब्यूटीफुल. तो इसे इंग्लिश कहेगी, ये एडजेक्टिव है. तो हर वो शब्द जो या तो नाउन को मॉडिफाई करे या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, उसे इंग्लिश एडजेक्टिव्स कहती है. फटाफट से यस मैम लिखो अगर यहां तक की बात समझ में आई है तो. एडजेक्टिव में एक छोटी सी बात और हमें ध्यान रखनी पड़ती है, इसके डिग्रीज. डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव का मतलब है एडजेक्टिव को इस्तेमाल करने के तीन तरीके, तीन मेथड या थ्री फॉर्म्स. एडजेक्टिव अपने आप को तीन तरह से बदलता है. एडजेक्टिव अपने रूप को तीन तरीके से बदलता है. कैसे कैसे बदलता है? सबसे पहले तरीके को कहते हैं, या सबसे पहले डिग्री को कहते हैं पॉजिटिव डिग्री. दूसरे डिग्री को कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री. दूसरी डिग्री को क्या कहते हैं? कंपैरेटिव डिग्री. और तीसरी का नाम होता है बच्चों सुपरलेटिव डिग्री. सॉरी बच्चों. हाँ जी, पॉजिटिव डिग्री का मतलब है जब आप किसी एक इंसान की बात कर रहे हो. कंपैरेटिव का मतलब है जब आप दो लोगों की बात कर रहे हो. और सुपरलेटिव का मतलब है जब कईयों में से किसी एक की बात कर रहे हो. जैसे आपने सुना होगा, पहला पॉजिटिव डिग्री होता है गुड, कंपैरेटिव होता है बेटर, और सुपरलेटिव होती है बेस्ट. तो पॉजिटिव डिग्री को सिर्फ वहां यूज करते हैं बेटा जहां सब्जेक्ट एक है, जैसे नेहा इज अ गुड टीचर. कंपैरेटिव वहां यूज करेंगे जहां लोग दो हो जाएं, कैसे, नेहा इज बेटर देन निशा. और सुपरलेटिव वहां यूज होता है जहां बहुतों में से किसी एक को कहा जाए, नेहा इज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड. सीरियसली मत लेना, सिर्फ सेंटेंस बना रही हूं.
तो नेहा का यूज करा मैंने तीनों जगह, एक जगह मैंने नेहा को अकेला दिखाया तो गुड बोला, नेहा और निशा की तुलना करने लगी, कंपेयर करने लगी तो बेटर बोला, और पूरे संसार में से नेहा को बेस्ट बता दिया बहुतों में से किसी एक की बात। इसके आगे गहराई में हम एडजेक्टिव का जब टॉपिक पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए आपको इतनी सी समझ दे रही हूं बस, एडजेक्टिव मतलब जो या तो नाउन में कुछ ऐड करें या प्रोनाउन में। एडजेक्टिव की डिग्री 3 होती है, दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए, तीनों डिग्रीज के नाम पता होने चाहिए, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। चौथी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि पॉजिटिव डिग्री किसी एक इंसान के लिए, कंपैरेटिव दो के लिए, और सुपरलेटिव बहुतों में से किसी एक के लिए। क्या हम समझ गए? कंपैरेटिव डिग्री के पीछे ना हमेशा ईआर या उसके शुरू में हमेशा मोर मिलता है, इससे ना आपको सीधा पता लग जाएगा कि डिग्री कंपैरेटिव है या नहीं। या तो शब्द के पीछे ईआर दिखेगा या शब्द के आगे मोर दिखेगा। अब सुपरलेटिव पहचानने का भी शॉर्टकट है, शब्द के पीछे ईएसटी दिखेगा या शब्द से पहले मोस्ट दिखेगा, शब्द के पीछे ईएसटी दिखेगा या शब्द से पहले मोस्ट दिखेगा। तो ये सीधे तरीके हैं पता लगाने के कि डिग्री कंपैरेटिव है या डिग्री सुपरलेटिव है, और दोनों में से कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड हो गया, पॉजिटिव है। समझे?